नमस्कार शिक्षक साथियों, NIVS के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्र आज आपके साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का नियोजन और प्रबंधन विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का संदर्भ लेते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कवि टैगोर लिखते हैं, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। अर्थात आप बचपन से आनंद और सृजनात्मकता को जोड़ रहे हैं और साथ ही इस बात पर बल दे रहे हैं कि कहीं न कहीं वयस्क संसार जिस प्रक्रिया द्वारा बच्चे को वयस्क बनाना चाह रहा है उससे इन दोनों विशेषताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं NCF के सुझावों की। इस मान्यता के साथ प्रारंभ होने वाला NCF स्कूली पाठ्यचर्या के माध्यम से समझ की क्षमताएं, व्यवहार और कुशलता को विकसित करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, हमें सृजनात्मकता और आनंद का संरक्षण करना है, उसे विकृत होने से बचाना है और हम प्रयास कर रहे हैं समझ की क्षमताएं, व्यवहार और कुशलता को विकसित करने का। वस्तुतः इन दोनों ही बातों में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन इनकी प्रस्तुति और सरलीकरण एक विरोधाभास के रूप में कर दिया गया है और हम मानते हैं कि भाषा, गणित और विज्ञान जैसे विषय के शिक्षण से इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और इसकी कीमत चुकानी होगी शिल्प, खेल कूद, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को। वस्तुतः ये दो दूसरी कैटेगरी के कार्यक्रम हैं, शिल्प, खेल कूद, रचनात्मकता और सौंदर्य आधारित, उन्हें हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के वर्ग में रखते हैं। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमारे लिए पाठ्य क्रियाओं के समान ही महत्वपूर्ण हैं, सोद्देश्य हैं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए आउटडोर और इनडोर खेल द्वारा विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास होता है, बागवानी द्वारा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है, शिल्प कलाओं जैसे खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, क्ले मॉडलिंग के द्वारा विद्यार्थियों की सौंदर्य दृष्टि विकसित होती है, ज्ञान इंद्रियों का समन्वयन होता है, भाषा विकास के लिए वाद विवाद, निबंध लेखन, कहानी वाचन, काव्य पाठ जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी से जुड़ी गतिविधियों द्वारा सांस्कृतिक विरासत और परंपरा की समझ विकसित होती है। राष्ट्रीय उत्सवों के आयोजन, विद्यार्थी संसद के आयोजन और संस्थान के भ्रमण द्वारा आलोचनात्मक नागरिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इसके अलावा बहुत सी हम रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्रातःकालीन सभा, खेल की कक्षाएं, हॉबी की कक्षाएं, ये भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान करती हैं। कुल मिला के मैं आप तक यह संप्रेषित करना चाह रहा हूँ कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कक्षा अधिगम से भिन्न और कमतर नहीं हैं, बल्कि कक्षा अधिगम के समान महत्वपूर्ण और उसे संवर्धित करने वाली होती हैं। इनके माध्यम से सीखे हुए ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग और अभ्यास के अवसर तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थियों के विकास के बौद्धिक आयाम के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक विकास को भी फलीभूत किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता आदि का पोषण कर सकते हैं। हम संवैधानिक और लोकतांत्रात्मक मूल्यों का भी पोषण कर सकते हैं। जीवन कुशलताएं जैसे समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, अंतर्व्यक्तिक संबंध के विकास के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको एक तरीके से मानना पड़ेगा कि पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं। विद्यालय के प्रत्येक सत्र विशेष में इन्हें बराबर स्थान मिलना चाहिए। विद्यार्थी अपनी रुचि, योग्यता और चुनाव के द्वारा इन गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लें, ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए। विद्यार्थी ही क्यों, शिक्षक भी अपनी रुचि, योग्यता और चुनाव के आधार पर इन गतिविधियों के आयोजन का दायित्व स्वीकारें। इससे उनकी भी जिजीविषा, सौंदर्य समझ, रचनात्मकता पोषित होती है। आइए बात करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नियोजन और प्रबंधन की। इन्हें मैं चार पक्षों के साथ आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। पहला, गतिविधि का चुनाव कैसे करें। दूसरा, संसाधन प्रबंधन कैसे करें। तीसरा, विद्यार्थियों की भागीदारी कैसी हो। चौथा, सुझाव और फीडबैक की व्यवस्था क्या हो। गतिविधियों का चुनाव करते हुए ध्यान रखें कि गतिविधियों में विविधता होनी चाहिए। इन्हें विद्यालय के दैनिक, मासिक और वार्षिक कैलेंडर में स्थान दीजिए। जैसे दैनिक कैलेंडर में आप प्रातःकालीन सभा रख रहे हैं,
मासिक कैलेंडर में साहित्य से जुड़ी कोई गतिविधि रखिए, वार्षिक कैलेंडर में वार्षिकोत्सव, खेल उत्सव, राष्ट्रीय त्योहारों को रखिए। यह भी ध्यान रखिए कि ये क्रियाएं आपके पाठ्य शिक्षण विषय शिक्षण से संबंधित होनी चाहिए, जैसे भित्ति पत्रिका का संबंध भाषा शिक्षण से है, खेल को गणित से जोड़ने की कोशिश करें, द्रव्यमान संरक्षण आदि के नियमों को समझाने के लिए पॉटरी या लुगदी के निर्माण जैसी गतिविधियों का चुनाव करें। यह प्रयास करें कि विद्यार्थी अधिक से अधिक सहभागिता करें। यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों, इनमें इनडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की गतिविधियों का संतुलन हो। जो गतिविधियां जिला स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं, उनको आप इन आयोजनों के सापेक्ष अपने विद्यालय में स्थान दें। ध्यान रखें कि उनकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, अन्यथा विद्यार्थियों की भागीदारी अर्थपूर्ण नहीं रह जाती है। यह भी आवश्यक है कि विद्यालय की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आप पर्यावरण क्लब, साहित्य मंच और सदन आदि का गठन करें। ये मंच विद्यार्थियों को एक ऐसा समूह प्रदान करते हैं जहां वे अपनी रुचि को क्रियान्वित कर सकते हैं और बिना अव्यवस्था पैदा किए या आकस्मिक संरचनाओं की आवश्यकता के बिना विद्यार्थी सुगमतापूर्वक पाठ्य सहगामी गतिविधियों में संलग्न होंगे। विषय शिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके साथ कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं की जा सकती हैं। यह कहने में जितना सरल है, अपनाने में उतना ही कठिन है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कवि विशेष की कोई कविता को, प्रकृति से जुड़ी किसी कविता का शिक्षण अध्यापन कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों को प्रकृति से कविता ढूंढ कर ले आकर काव्य पाठ करने के लिए कहें, उससे जुड़ा भित्ति पत्रिका का विशेषांग निकालें, उससे जुड़ा कोलाज बनाने को कहें। ऐसी गतिविधियों को केवल कक्षा की गतिविधि ना बनाएं, बल्कि अलग अलग कक्षाओं के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में भी आप क्रियान्वित कर सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि इन गतिविधियों को उनके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा बनाएं। अब जब हमने समावेशी कक्षा की संकल्पना को अपना लिया है, हमारे विद्यालय समावेशी होते जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि इन गतिविधियों के चुनाव में आप विशिष्ट क्षमता वाले विद्यार्थियों की गतिविधियों को स्थान दें। कोई विशेष सांस्कृतिक समूह है तो उसके सांस्कृतिक अस्मिता, सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि को भी आप अपनी गतिविधियों में स्थान दें। दूसरा पक्ष है संसाधन उपलब्धता का। किसी भी गतिविधि का आयोजन करते हुए सबसे पहले उसके सुपरिभाषित उद्देश्यों को आप समझें। एक शिक्षक विशेष को उसके आयोजन का दायित्व सौंपें। इस दायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करें कि वह आवश्यक वित्त और संसाधन के लिए आवश्यक स्रोतों को पहचाने, उनके साथ निगोशिएशन करे और बाकी सभी उसके वित्त और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करे। यह ध्यान रखिए कि इन गतिविधियों की लागत अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप स्थानीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आवश्यक संसाधनों का निर्माण करने के लिए कह सकते हैं। आप स्वयं विद्यार्थियों के साथ इन संसाधनों के निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक के कुछ पक्ष हैं, जैसे आयोजन स्थल, अतिथि, पुरस्कार, सूचना प्रसार, रिपोर्ट आदि पर भी आपको विचार करना चाहिए। यदि इन पर विचार करके आप क्रमबद्धता रखेंगे तो ही आपका आयोजन सफल होगा। यह भी ध्यान रखिए कि गतिविधियों द्वारा अभिभावकों पर, विद्यार्थियों पर, शिक्षकों पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। यहाँ अतिरिक्त बोझ का आशय यह है आर्थिक, समयगत और संसाधनगत। ना उनसे पैसों की मांग की जाए, ना उनसे कोई ऐसा संसाधन करने को कहा जाए जो उपलब्ध ना हो, और ना ही उसकी तैयारी के लिए घर पर अतिरिक्त समय देने की जरूरत हो। यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों का अधिगम अनुभव समृद्ध होगा, अन्यथा यह गतिविधि भी उनके लिए एक बोझ बन जाएगी। गतिविधियों के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जब आप किसी गतिविधि का आयोजन करने वाले हों तो एक सुरक्षा समिति बनाएं, इसे दायित्व सौंपें कि यह वहां पर सुरक्षा संबंधी कारणों की विवेचना कर आपको अपनी सहमति प्रदान करे और विद्यार्थियों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, आयोजकों की कोई सुरक्षा संबंधी खतरे हैं, चेतावनियां हैं, उसे आपको उपलब्ध कराएं। प्राथमिक सुरक्षा की व्यवस्था तो आपको किसी भी गतिविधि के आयोजन के समय अवश्य सुनिश्चित करनी ही चाहिए। तीसरा पक्ष है विद्यार्थियों की भागीदारी। जब भी आप किसी गतिविधि का आयोजन करें तो उसकी सूचना विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी दें, जिससे अभिभावक भी मेंटली प्रिपेयर रहें और वह भी आपको अपने स्तर से पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इन गतिविधियों का लाभ बताकर विद्यार्थियों को नमस्कार। शिक्षक साथियों, NIVS के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्र आज आपके साथ
पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का नियोजन और प्रबंधन विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का संदर्भ लेते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कवि टैगोर लिखते हैं, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। अर्थात आप बचपन से आनंद और सृजनात्मकता को जोड़ रहे हैं और साथ ही इस बात पर बल दे रहे हैं कि कहीं न कहीं वयस्क संसार जिस प्रक्रिया द्वारा बच्चे को वयस्क बनाना चाह रहा है उससे इन दोनों विशेषताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं NCF के सुझावों की। इस मान्यता के साथ प्रारंभ होने वाला NCF स्कूली पाठ्यचर्या के माध्यम से समझ की क्षमताएं, व्यवहार और कुशलता को विकसित करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, हमें सृजनात्मकता और आनंद का संरक्षण करना है, उसे विकृत होने से बचाना है और हम प्रयास कर रहे हैं समझ की क्षमताएं, व्यवहार और कुशलता को विकसित करने का। वस्तुतः इन दोनों ही बातों में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन इनकी प्रस्तुति और सरलीकरण एक विरोधाभास के रूप में कर दिया गया है और हम मानते हैं कि भाषा, गणित और विज्ञान जैसे विषय के शिक्षण से इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और इसकी कीमत चुकानी होगी शिल्प, खेल कूद, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को। वस्तुतः ये दो दूसरी कैटेगरी के कार्यक्रम हैं, शिल्प, खेल कूद, रचनात्मकता और सौंदर्य आधारित, उन्हें हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के वर्ग में रखते हैं। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हमारे लिए पाठ्य क्रियाओं के समान ही महत्वपूर्ण हैं, सोद्देश्य हैं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए आउटडोर और इंडोर खेल द्वारा विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास होता है, बागवानी द्वारा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है, शिल्प कलाओं जैसे खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, क्ले मॉडलिंग के द्वारा विद्यार्थियों की सौंदर्य दृष्टि विकसित होती है, ज्ञान इंद्रियों का समन्वयन होता है, भाषा विकास के लिए वाद विवाद, निबंध लेखन, कहानी वाचन, काव्य पाठ जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी से जुड़ी गतिविधियों द्वारा सांस्कृतिक विरासत और परंपरा की समझ विकसित होती है। राष्ट्रीय उत्सवों के आयोजन, विद्यार्थी संसद के आयोजन और संस्थान के भ्रमण द्वारा आलोचनात्मक नागरिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इसके अलावा बहुत सी हम रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्रातःकालीन सभा, खेल की कक्षाएं, हॉबी की कक्षाएं, ये भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान करती हैं। कुल मिलाके मैं आप तक यह संप्रेषित करना चाह रहा हूं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं कक्षा अधिगम से भिन्न और कमतर नहीं हैं, बल्कि कक्षा अधिगम के समान महत्वपूर्ण और उसे संवर्धित करने वाली होती हैं। इनके माध्यम से सीखे हुए ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग और अभ्यास के अवसर तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थियों के विकास के बौद्धिक आयाम के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक विकास को भी फलीभूत किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के